नमस्कार दोस्तों, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर को रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट कैसे करना होता है, चलिए आज किस प्रिंसिपल पर हम बात करेंगे और जानेंगे पूरे लाइव प्रूफ के साथ। बिकॉज मुझे यहाँ पर एक प्रोडक्ट को रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट करना है, देखते हैं क्या सब होता है। जो भी देखेंगे उसको हम पूरे लाइव प्रूफ में देखने वाले हैं। देखिए, फ्लिपकार्ट से आप किसी भी सामान को ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करने के बाद आपको मिलता है रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट का ऑप्शन, मतलब काफ़ी कम डेज के लिए आपको मिलता है रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट का पॉलिसी, जहाँ पर आप रिटर्न कर सकते हो। और रिटर्न करने के पीछे भी रीज़न होना चाहिए, विदाउट एनी रीज़न आप रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट नहीं कर पाओगे। बिकॉज अभी के समय में आपको मिलता है ओपन बॉक्स डिलीवरी, जहाँ पर डिलीवरी एजेंट आपको खुद ही ओपन करके दिखाते हैं कि प्रोडक्ट सारा सही है। तो प्रोडक्ट अगर डैमेज होगा तो उस कंडीशन में आपको रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है और वो प्रॉपरली तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तब आप रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट कर सकते हो, जिसका हम अभी देखने वाले हैं पूरे लाइव प्रूफ के साथ। मैंने जो रिसेंट में ऑर्डर किया हूँ, इसके आधार से मैं आपको बता देता हूँ, आप सिमिलर कॉन्सेप्ट को अप्लीकेबल कर सकते हो स्मार्टफोन या फिर अदर गैजेट्स पर रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट के केस में। देखिए, मैंने भी एक माइक को ऑर्डर किया था जिसका प्राइसिंग काफ़ी कम है, हालांकि इसका रेटिंग वगैरह काफ़ी अच्छा था, जो कि आप यहां पर देख पाओगे, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। उसके बाद जो वॉइस इसका आता है वो कट कट के आता है, मतलब एक तरह से ये डिफेक्टेड है और मुझे इसे करना होगा रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन किस तरीके से मिलता है और क्या होता है, सभी को हम देखेंगे पूरे लाइव प्रूफ के साथ। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑर्डर को खोल लिया हूँ और ऑर्डर में आप यहाँ पर देख पाओगे एक यहाँ पर माइक है जिसका प्राइसिंग है 265 रुपये। अगर हम इसके रेटिंग वगैरह को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएगा इसका जो भी रेटिंग वगैरह है वो काफ़ी सही है, फिर भी पता नहीं क्यों ज़्यादा डिफेक्टेड मुझे लग रहा है और मेरे किसी भी फ़ोन में अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं इसे रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट करने वाला हूँ। देखते हैं ऑप्शन किस तरीके से मिलता है। बिकॉज इसके साथ मुझे ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं मिला था, ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से आ चुका है और इसका जो रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट का डेट है वह है 30 मार्च तक। नीचे में आप यहां पर देख पा रहोगे बता रहा है रिटर्न करने के लिए, तो मैं यहां पर टैप करता हूं रिटर्न पर। इस पर टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जो कि आप यहां पर देख पा रहोगे। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है ये आपको देना होगा। मैं यहाँ पर देता हूँ कि मेरा जो एसेसरीज है यह वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से। और नीचे में एक और ऑप्शन है जो कि पूछ रहा है एसेसरीज डज नॉट वर्क या फिर डिफेक्टिव, ऐसा पूछ रहा है। उसके बाद नीचे में कमेंट पूछ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है ये आपको यहाँ पर भरना होगा। मैं यहाँ पर दे देता हूँ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद करता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले यहाँ पर नंबर को दिखा रहा है जो कि मेरा ही है, आप देख पाओगे। उसका जो लोकेशन है वो भी यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर इसीलिए दिखा रहा है ताकि डिलीवरी एजेंट इसी लोकेशन पर आएंगे और आपका सामान ले जाएंगे। आप चाहो तो लोकेशन को चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पर चेंज का भी ऑप्शन आ रहा है। अब देखिए, ऊपर में 2 ऑप्शन है, या तो आप रिप्लेसमेंट ले सकते हो या फिर आप रिफंड ले सकते हो। तो मैं रिफंड ही ले लेता हूँ और मैं ऑर्डर कर दूंगा बोया का माइक। हालांकि मेरे पास और भी बहुत सारे माइक है। रिफंड पर टैप करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा। पहला है फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड वॉलेट, मतलब यहाँ पर जो अमाउंट है इसे आप फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड के तौर पर ले सकते हो या फिर आप अपने ओरिजिनल पेमेंट मेथड में ले सकते हो, जिसका ऑप्शन नीचे में है आप यहाँ पर देख पाओगे। अगर आप चूज करते हो ओरिजिनल पेमेंट मेथड तो आपको लगेगा 5 to 7 days, जैसा कि यहाँ पर बता रहा है, मतलब यहाँ पर जो अमाउंट है ये रिफंड होने में लग सकता है 5 to 7 days, ये बात पहले ही बोल रहा है। अगर आप इन सब चीज़ों से सेटिस्फाइड हो तो आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा ऑप्शन जो कि आप यहां पर देख पाओगे। यहां से मैं करता हूं सबमिट रिक्वेस्ट, ये करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा जो कि आप यहां पर देख पाओगे। और यहां पर पूछ रहा है वेरिफिकेशन करने के लिए, मैं यहां पर वेरिफिकेशन कर देता हूं। यहां से मैंने किया प्रोसीड। उसके बाद एक OTP आएगा मेरे गिवन नंबर पर, उस OTP को यहाँ पर इंटर करने के बाद इसका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद डिलीवरी एजेंट आएंगे और मेरे लोकेशन से उस प्रोडक्ट को ले जाएंगे और मेरा पैसा रिफंड हो जाएगा। पैसा रिफंड होने में 5 to 7 days लगेगा, जैसा कि यहाँ पर बता भी दिया था। तो कुछ इस तरीके से आप भी रिफंड कर सकते हो या फिर रिप्लेसमेंट कर सकते हो अगर आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आता है तो। धन्यवाद।